Hey guys, good morning. कैसे हो आप सब लोग? I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. So आज हम जर्सी से चेक आउट है. जर्सी से हम लोग गंजी जा रहे हैं वापस. तो उसके लिए मैं रेडी हो रही थी. सबसे पहले मैंने अपना पॉन्स का मॉइस्चराइजर लगा लिया, फिर मैंने अपना लोरियल का फाउंडेशन और कंसीलर मेबलिंग का, देन उसके बाद मैं इसे कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी, क्योंकि अगर नहीं करो तो फिर मेकअप अच्छा नहीं लगता. देन उसके बाद मैं अपना फेवरेट ब्लश लगा लूँगी, जो कि एलएफ का है और पीच इसका शेड है और काफ़ी लाइट है, तो ज़्यादा डार्क नहीं है, डेली यूज़ के लिए अच्छा है. और उसके बाद मैं अपना फेवरेट हाईलाइटर लगा लूँगी. मुझे हाईलाइटर लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, चमकता है, ग्लो लाता है फेस पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड एज़ यूजुअल मैं अपनी लिपस्टिक को, दो लिपस्टिक को मिला के लगाऊँगी. फर्स्ट मैंने आउटर लाइन पे ब्राउन कलर की लगा ली है, एंड देन उस पर मैं पिंक कलर का सेंटर पे करूँगी और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी. देन उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना फेवरेट मस्कारा. अब मुझे मस्कारा लगाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. अब तो आईलाइनर लगाना मैंने छोड़ ही दिया. जब मैं इंडिया में थी तो ही मैं आईलाइनर लगाती थी, अब यहाँ पे मैं मस्कारा लगाती हूँ. एंड देन उसके बाद बस हम लोग अपने रूम से निकल गए थे. अभी 9 बजा था तो हम लोग आ गए थे, और हम अपने रिसेप्शन पे जा रहे हैं. लिफ्ट में हम हैं. देन उसके बाद हम रिसेप्शन पे पहुँचे अपने, तो हमने उनको पहले ही बोला था, क्योंकि हमारा चेकआउट जो था 11 बजे था और हमारा जो फेरी था जर्सी से गंजी वो था 6 बजे का, तो हमने अपना सामान रखवा दिया था, क्योंकि तो उन्होंने भी कहा ठीक है. देन उसके बाद ये वही जगह है जहाँ से हमने अपने वो बस की टिकट ली थी ना, पूरा टूर करने के लिए. देन हमारा प्लान था आज ये ट्रेन में एक्सपीरियंस लेने का, क्योंकि ये गंजी में भी है, हमने कभी लिया भी नहीं और बनता भी नहीं है, क्योंकि गंजी में हम हर जगह पर गए. देन उसके बाद हमने यहाँ पर अपना टिकट लिया ट्रेन का. इसका ट्रेन का टिकट था £10 each, सो हमने पे किया £20, 10 मेरे, 10 मेरे हस्बैंड के, और ये था 1 घंटे का और 30 मिनट का, ठीक है ना. तो आज हम जर्सी से जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारा प्लान था आज ये ट्रेन में और मैं आपको दिखाऊंगी ट्रेन कैसे है और कहाँ से आने की जाती है. 1 hour 30 minutes का उस पर है. After 5 years of German occupancy, as crowds gathered on that fate, life-size figures waving the flag depict the life. देन उसके बाद हमारी ट्रेन चलने लग गई थी. फिर मैंने अपनी कॉफ़ी भी फिनिश कर ली थी उसी में. देन उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी ट्रेन दिखी, जो कि ये जैसे टाउन से दूसरी जगह पे लेके जाती है, उस स्पॉट से ये दूसरे लोगों को लेके आती है, क्योंकि एक ट्रेन वहाँ पे रुकती है तो वो वापस आ जाती है. देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो ये यहाँ पे मैं देख रही थी, बहुत अच्छा मौसम था आज का. देन ये बीच है, तो इस पर क्या होता है कि यहाँ पे दिन में एक बार बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें ज़्यादा लोगों का जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि रिस्की है ना, बहुत ऊपर तक पानी आ जाता है. देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे, फिर मैं अपना न्यू लुक का बैग देख रही थी. देन उसके बाद अभी हम लोग जिस जगह पे हम जाने वाले वहाँ पहुँचे नहीं है, और यहाँ कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, और ये बस स्टॉप है यहाँ का, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इसके चारों तरफ से आप बैठ सकते हो और एकदम घर जैसा लग रहा है, और कवर करता है बारिश और धूप से, सो अच्छा है. देन उसके बाद हम लोग अभी भी अपनी जगह पे पहुँचे नहीं. फिर यहाँ पे ये घर दिख रहे हैं छोटे छोटे, बट ये छोटे नहीं है, लगते छोटे हैं बट अंदर से बहुत आलीशान टाइप के होते हैं और काफ़ी सुंदर होते हैं यहाँ के घर, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और ये फ्लावर्स वगैरह, और ये वाइट वाला तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा फूल. देन उसके बाद यही ये वही बीच है जिसकी मैं बात कर रही थी. बस अभी हम अपने जगह पे स्टॉप पे पहुँचने ही वाले थे. देन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे उतरेंगे. और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ये हम देख रहे थे कि एक बीच में एक गाड़ी जा रही है, तो हम सोच रहे थे कहाँ ही जा रहा होगा. फिर हम लोग फाइनली उस जगह पे पहुँच गए. ये जगह भी बहुत ज़्यादा सुंदर है,
बहुत अच्छा यहाँ पे घूमने का था स्पॉट वगैरह, तो फिर हम बट हम लोग घूमे नहीं क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट का था ये आने। तो फिर उसके बाद हमने सोचा यार कि 6 बजे का हमारा फेरी है, इसमें हमें कम से कम 1 बज गया था। तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं अब चलते हैं क्योंकि बाई चांस हमें लेट हो जाए कुछ हो जाए। तो उसके लिए हम चले गए और यहाँ से पूरा ट्रेन दिख रहा था वो चलते हुए, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसमें बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा था। बट एक टाइम के लिए अच्छा है, बहुत स्लो है तो नींद भी आ रही थी सच बोलूँ तो, अदरवाइज परफेक्ट है बट 30 मिनट भी इसमें इनफ है। देन उसके बाद हम लोग बस आगे बढ़े, फिर वही रास्ता जिस रास्ते से आए सेम वही वे है। तो सो फाइनली अब हम लोग टाउन के पास पहुंचने वाले हैं और ये यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह है टाउन के पास की, एंड देन ये टाउन है जहाँ पे शिप वगैरह है, इससे आप कहीं शायद ये पास स्पॉट लेके जाता है जैसे गंजी और जैसे आइलैंड में। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहीं पे KFC वगैरह है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये लेवेंडर कलर के फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो बिल्डिंग है ना इसमें मेटलन है, मार्क्स एक्सपेंसर है, मतलब शॉपिंग हॉल वगैरह है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड देन हम अपने होटल वापस आ गए अपना बैग वगैरह लेने के लिए, देन हमने अपना बैग ले लिया और फिर उसके बाद से हम लोग टाउन की तरफ आ गए। फिर से हम लोग वापस जाने वाले हैं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं गंजी। तो अभी हम लोग बस अभी भी हम जर्सी हम लोग हमारी फेरी है वो तो वैसे 6 बजे की है बट हमें 1 घंटे पहले पहुँचना है, तो फिर हम लोग घूम भी चुके हैं यहाँ पे अच्छे से। और उसके बाद अब हम लोग जो है अभी जा रहे हैं KFC पिज़्ज़ा हट कुछ खाने के लिए, पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे और KFC से मैं भी चिकन विंग्स तो अभी डिसाइड करेंगे। तो फिर उसके बाद 4 बजे हम लोग वहाँ चले जाएंगे क्योंकि 1 घंटे पहले जाना है और फिर अब हम कहाँ जाए तब तो हम घूम चुके हैं, तो ऐसे ही देखेंगे वहाँ पर फोटो शूट करेंगे या वेट करेंगे अपने फील्ड का, देर में जाने से अच्छा है पहले चले जाओ। तो बस आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ हमारी छोटे से हॉलीडे ट्रिप को। बाय बाय गंजी, या बैक टू गंजी। सो गाइस हम लोग KFC में आए हैं, तो बस अभी हमने अपना ऑर्डर दिया है, मेरे हस्बैंड लेने गए हैं, तो उसके बाद हम लोग अपना लंच करेंगे। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 2:15 एंड देन हम लोग जाएंगे अपने फेरी में जो कि 6 बजे है वैसे, बट हमें 1 घंटे पहले जो कि 6 बजे है बट हमें एक घंटे पहले वहाँ पे जाना है, तो मतलब हम अभी यहाँ पे आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा खाने में, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे घर पहुँचने तक की जर्नी। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जाने वालों के साथ, अपने जाने वालों के साथ। बाय। सब हम लोग बस अपने कॉन्डो फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं, हमने अपना लंच कर लिया और अभी 4 बज चुके हैं, बस अब हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 1 घंटे पहले आना था, बस 6 बजे का था तो 5 बजे आने का था। चलते हैं पहले वहाँ अंदर देखेंगे कैसा क्या है। 6 बजे की हमारी फेरी है, ये फिर हम फाइनली अपने घर पहुँचेंगे रिलैक्स। मैं तो रिलैक्स यहाँ पे भी किया, बुरा लग रहा है जाने में।
दिखाती हूँ कि कैसा है क्या है।